आज हम आपको डबल पट्टी का डबल फ्रेम का डबल पलंग बना के दिखाते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। इसमें डबल में भी दो तरह की डिजाइन होती है, नीचे फूल भी आ सकते हैं, डिजाइन भी आती है और सादा भी बनाया जाता है। डबल पट्टी में दो पट्टी ऊपर आती है, दो पट्टी नीचे आती है, इसलिए हम देखो पहले ऐसे करते हैं, ये डबल हमारी बनाई है क्योंकि ये नीचे ही पट्टी आ रही है और ऊपर भी आ रही है। ये बराबर नीचे भी डिजाइन करेगी, इस तरह से ये डबल बुनाई की जाती है, इस तरीके से डबल बुनाई की जाती है। अभी तो ये सादा चल रहा है, इसमें इधर से हम बुनाई करेंगे दूसरी साइड से, तो इसमें हम फूल वगैरह डालना चाहें फूल बन जाता है, सादा बुनना चाहते हैं सादा बन जाता है। मजबूती जो ज़्यादातर सादा में आती है कि फूल में बहुत मजबूत पट्टियाँ पड़ती हैं, क्योंकि फूल बनाने के लिए पट्टियाँ बहुत मजबूत पड़ती हैं और सिंगल पट्टी में थोड़ा मजबूत पलंग होता है। और बहुत से लोग शौकीन होते हैं पर सोचते हैं हमें तो डिजाइन चाहिए, फूल चाहिए, फूल भी बन जाता है। ये हमारा इस समय नीचे भी पट्टी चल रही है और ऊपर भी चल रही है। अब हम इसको इस टाइप से बनाएंगे, इसमें जरा सा भी गैप नहीं रहता है, डबल वाले पट्टियों में गैप बराबर पट्टी चलती है, बिल्कुल एक इंची का भी फर्क नहीं रहता है। बिल्कुल हमारा पलंग इसलिए मजबूत ज़्यादा चलता है डबल का, इसमें सिंगल भी बनाया जाता है, सिंगल का मतलब वो नीचे पट्टी नहीं आती, ऊपर ऊपर पट्टी चलती है, सिंगल का इतना मजबूत नहीं होता जितना डबल पट्टी का मजबूत होता है, ये लोग ज़्यादातर डबल को पसंद करते हैं। डबल में 2 किलो से 2.5 किलो तक निवार लगती है ये वाली। अच्छा, डबल में 2 किलो से 2.5 किलो ढाई किलो तक निवार लगती है ये वाली। अच्छा, सिंगल में 1 किलो से 1.25 किलो तक लगती है। अच्छा, इसमें ये है क्योंकि इसका नीचे भी है और ऊपर, क्योंकि ये ऊपर और नीचे निवार आ रही है इस वजह से, क्योंकि सिंगल में ऊपर ऊपर रहती है, डबल में नीचे आ जाती है, इस वजह से डबल वेट हो जाता है। अब देखो हमारा क्या है, ये अब हम इधर से बुनाई चालू करेंगे। अच्छा अच्छा, ये ढीली ढीली सी बाद में टाइट होती है, क्योंकि अभी टाइट कर देंगे तो फुल टाइट नहीं होगी बाद में। अच्छा, बुनाई करने में भी दिक्कत होगी, दिक्कत होती है बुनाई करने में भी। ये बाद में टाइट किया जाता है, बाद में टाइट होती है। ये हमारे ऊपर का साइड आ गया, अब नीचे हमें अगर आपको फूल डलवाना है तो फूल पड़ जाएगा, सादा बनवानी है तो सादा बन जाएगी। आपको कैसे चाहिए, फूल नहीं है कि सादा चाहिए कि मजबूत वाला काम चाहिए? मजबूत भी हो और फूल भी बन जाए ऐसा नहीं हो सकता? नहीं नहीं, फूल वाले में एक पट्टी यहाँ पड़ेगी, फिर इतना गैप हो जाएगा फिर यहाँ पड़ेगी, फिर इतना गैप हो जाएगा फिर यहाँ पड़ेगी। अच्छा, मतलब मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। अच्छा, कैसे है, 2-3 पट्टी डाल के दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर हमें फूल बनाना है तो एक पट्टी यहाँ डालेंगे। अच्छा हाँ, फिर एक आधा इसका गिलने के कितनी पट्टी है, ये 30 पट्टी है तो हम इसमें 14 छोड़ देंगे, बीच की पट्टी ले लेंगे। अच्छा हाँ, और एक लास्ट में ले लेंगे। अच्छा हाँ, ये है था, इसमें ना क्या है, दूर दूर करने से फूल तभी बनता है जब दूर दूर पट्टी होंगी। अच्छा, ये इतनी फूल डालने से मजबूती नहीं आती है। अच्छा, पलंग में मजबूती नहीं आएगी क्योंकि दूर दूर है। अच्छा, अगर हम इसको दूसरे टाइप से दिखाएं आपको कि मजबूती किसमें रहती है, तो मजबूती देखो इसमें रहती है बिना फूल वाले में, बिना फूल वाले में, क्योंकि ये इतनी दूर दूर पट्टी डालते हैं और हम जैसे बाहर बनाए ऐसे हम अंदर बुनेंगे। अच्छा, हर पट्टी पर जोर पड़ेगा। अच्छा, हर पट्टी में फिर निवार लगेगी। निवार हाँ, निवार उतनी लगेगी, निवार कम ही लगेगी। हाँ, मतलब ये दूर दूर है। अब ये एक सिंगल डाल के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, इस टाइप की पट्टी से हर पट्टी पर जोर रहता है। हाँ, फिर मजबूती रहेगी, मजबूती आती है और वो जहाँ जहाँ पट्टी है वही वही मजबूत रहता है, वहाँ
वहाँ पूरे पलंग में दो तीन जगह पड़ रहा है बस बल, इस वजह से मजबूती कम रहेगी। हमने इधर को ये इसमें डिजाइन नहीं पड़ेगी, इसमें खाली मजबूती आई है हमारे पास। अच्छा अच्छा, तो ये मजबूती वाली, ये मजबूती वाला क्या है, इसमें हर पट्टी पे जोड़ पड़ेगा, हर पट्टी पे वो होगा। अब आपको फूल चाहिए या मजबूती चाहिए, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन चाहिए आपको? मजबूती वाला बनाइए। मजबूती वाला चाहिए तो इसमें शो नहीं चलेगी, फूल नहीं पड़ेगा, पर मजबूती इतनी आ जाएगी कि हरे पट्टी पर जहाँ पे बैठोगे ना इस पट्टी भी जोड़ रहे हैं, यहाँ बैठोगे तो इस पट्टी जोड़ रहे हैं। अगर हम दूर दूर डालेंगे तो यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे पट्टी नहीं है तो यहाँ पे फिर वो मजबूत वहीं से टूट जाती है। जी जी, इसलिए आपको मजबूती वाला काम है तो हमेशा ये वाला इस टाइप से डालो। जैसे आगे भी देखो बोई बुनाई चल रही है। अच्छा, वो फूल वाली जो थी, जैसे अंदर की साइड में पट्टी डाली जा रही थी, इसी तरह से बाहर डाली जाती क्या? हाँ, या उसमें कुछ अलग रहता? ना ना, ऐसी बाहर डाली जाती है तो दूर दूर हो जाती है, तो वो गैप हो जाता है कि बच्चे टांग निकल जाती है। अच्छा, वो हो जाता है तो उसमें मिसप्रिंट हो जाए, फूल तो पड़ जाएगा पर वो अगर, हाँ इसमें एक चीज और है, फूल पड़ जाएगा अभी, तीन चार तरह की निवार लगेगी, फूल ऊपर पड़ जाएगा। अच्छा, पड़ जाएगा फूल पर वो उसमें गांठें आएंगी नहीं, तो गांठ वाली अच्छी नहीं लगती है। एक पलंग में एक ही रंग की नवार आती है तो एक रंग की नवार तो फूल दिखेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि अलग अलग कलर की नवार डालेंगे तब फूल दिखता है। हम वो क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ तक लाए, यहाँ पर गांठ लगा दी हमने। अच्छा, फिर दूसरी तरफ लेके फिर गांठ लगा दी, वो कभी गांठ खुल भी जाती है। अच्छा, टूट भी जाती है, छूट भी जाती है। अच्छा, कोई मजबूती वाला काम नहीं है। अच्छा अच्छा, ये मजबूती वाला काम है कि कहीं से भी ना कहीं तक नहीं टूटे। अच्छा, तो ठीक है, आप मजबूती वाला ही ये काम कीजिए। हाँ, बहुत मजबूती वाला काम है, इसमें आधा घंटा हमारा ज्यादा लग जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हर एक पट्टी से निकालना पड़ता है, उसमें गैप, उसमें गैप रहता है तो जल्दी जल्दी इतनी देर में लगा लेंगे, इतनी देर में तो वो तीन ही पट्टी डालनी है, हर पग में तीन ही पट्टी डालनी है, तो एकदम फटाफट गए इधर से बुनिया उधर से, तो आधा घंटे का हमें इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अच्छा, माल उतना ही लगता है पर टाइम ज़्यादा लग जाता है। अच्छा अच्छा, तो चलो मजबूती वाला, मजबूती वाला काम देखो हम बना रहे हैं, और अब उसके बाद में पूरा खाट बन जाए तब आपको दिखाएंगे। जी जी, इधर भी वो चीज़ है जो उधर है, वही इधर है। अच्छा, जैसे बाहर की तरफ बुनाई की जा रही है वैसी अंदर की, अंदर की तरफ की जा रही है, तो हर पट्टी पर मजबूता ही आनी चाहिए। हाँ, एक पट्टी दूर दूर कर देंगे तो हमें वो मजबूता ही नहीं मिलेगी, क्योंकि एक पट्टी खाली रहेगी तो और एक पट्टी में जोड़ रहेगा तो वो मजबूता ही नहीं है। जब डबल का मतलब है डबल, ऊपर से भी डबल, पीछे से भी डबल, पीछे से भी डबल, तब उसे कहते हैं डबल। ओरिजिनल डबल इस तरीके की होती है, जैसे ये है ओरिजिनल डबल, ये ओरिजिनल डबल है। जी जी, नहीं तो दुकानों पे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करी, जल्दी जल्दी करा, अपने दो दो तरी लगा, फूल बना दिए पीछे, कमल का, गुलाब का, इसका, वो तो दूर दूर पट्टियाँ हो जाती हैं। अच्छा, पर पीछे की साइड में फूल पड़ता है। अच्छा, आगे की साइड में ये होने पड़ता है, क्योंकि गैप होता है। अच्छा, तो इसलिए पीछे के फूल कामयाब जब है, जब महीने में एक दो बार बिछाओ सोवो तब कामयाब है, रोजमर्रा के लिए फूल वाली खर्चा पे कभी कामयाब नहीं। अच्छा, धन्यवाद, ये वाली कामयाब है। हाँ, ये कामयाब, ठीक है फिर। अच्छा, इसमें एक पट्टी छोड़ के एक बल दिया जाता है। हाँ, इसमें एक पट्टी उठानी है, एक दबानी है बस, इसमें और कुछ ज्यादा कोई कलाकारी नहीं, मगर इसमें ये है डबल में पीछे भी और आगे भी दोनों तरफ माली माल लगता है। तो अभी हमने ये चारपाई को पलट लिया था, है पलटने के बाद नीचे बुनाई आ गई, नीचे की साइड में, और ऊपर अब बुनाई हो रही है। हाँ, ऐसे जो कमर सीधी है, सीधे से खड़े होकर बनना रहे, अगर वैसे जैसे कमर लटानी पड़ती इसलिए पलटी, और भी बात नहीं है ना, तो नीचे से भी वही बुनाई है, वही है यहाँ से, अपने आराम के, शरीर के आराम के लिए कराया।
इसमें एक पूरा बंडल खत्म हो गया, एक पूरा बंडल खत्म हो गया। तो अब इसमें क्या जोड़ लगेगा? जोड़ में एक गांठ लगा देंगे, गांठ में ना लगे तो पेच लगा देंगे, दो ऑप्शन है इसमें। अच्छा अच्छा, आप चाहोगे गांठ लगा दो तो गांठ लगा देंगे, आप चाहोगे इसमें गांठ नहीं चाहिए हमें सूरा करके पेच लगाओ तो हम सूरा करके पेच भी लगा देंगे। अच्छा अच्छा, इसमें पेच भी लग जाएंगे? हाँ, और पेच लग जाएगा सूरा के, जैसे हमने शुरू में गांठ लगाई है यहाँ पर, अगर पेच भी चाहें तो पेच लग जाएगा और गांठ चाहिए तो गांठ लगा दी। तो पेच से ज़्यादा तो मजबूत गांठ रहेगी? गांठ मजबूत रहती है, गांठ ज़्यादा मजबूत रहती है, गांठ से जो है यहाँ बांधना सही रहेगा इसको जोड़ने में। हाँ, वो भी गांठ पीछे की साइड में बांधी जाती है, आगे की साइड में कभी नहीं बांधी जाती, अगर आगे की तरफ पहुँच रही थी तो पट्टी काट के फेंक देते हैं और पीछे की साइड में हम गांठ लगाते हैं। अच्छा। पीछे साइड में क्यों गांठ लगाते हैं? क्योंकि आगे अच्छा ना लगेगा, पीछे दिखेगी नहीं। अच्छा, पीछे अपने दो पट्टी के नीचे दबा देंगे दबक जाएगी, आगे की गांठ बैठेंगे छिदेगी तो पता चल जाता है गांठ लगी हुई। तो इसमें गांठ लगाना ठीक है? दो ऑप्शन है आपको जो अच्छा लगे। हाँ, हमने दूसरा बंडल निकाल लिया, अब दूसरा बंडल लगाएंगे इसमें हम इसको जोड़ लगा देंगे। हम जोड़ अभी तो रोक के लिए जोड़ ऐसे लगा रहे हैं इस टाइप का, फिर उसके बाद में हम टाइट करेंगे। ये तो टेम्परेरी लगा दिया हमने, क्या तो घेरना है बुनना है, जब टाइट करेंगे कितना आ रहा है कितना जा रहा है। अच्छा, तो उस टाइप के हिसाब से हमने बंडल ही इसलिए खोला है क्योंकि इसमें ना बंडल निकलता नहीं, हमें खींचनी पड़ रही है, हमें छोटी छोटी करके खींचनी पड़ रही है क्योंकि हमें बंडल इसमें से निकल ना पाता, बंडल बड़ा होता है और जगह कम रह गई, तो इसलिए हमें बंडल खोल के उधेड़ के खींचनी पड़ रही है। वैसे आसानी मिल जाती है, हमारी खाद बन के तैयार हो और हमें खाली अब दोबारा से इसे टाइट करना है। बस हमारा ऑप्शन एक लास्ट रह गया, जब पलंग को टाइट करना, टाइट कैसे किया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारा पलंग पूरा बन के तैयार हो, एक खाद में एक बार में दो काम किए जाते हैं, फोल्डिंग पलंग जो होते हैं, फोल्डिंग पलंग जो होते हैं उसमें दोबारा से मेहनत नहीं की जाती, एक ही बार में सारे काम होते हैं। इस पलंग में पहले बुनी जाती है फिर दोबारा से इसे टाइट किया जाता है। अच्छा, इसमें जो है डबल काम करना पड़ता है, डबल बुनाई डबल काम, पर फोल्डिंग पलंग जो पेटों वाले होते हैं फोल्डिंग वाले वो एक बार में टाइट हो जाते हैं, उन्हें दोबारा से टाइट करने की कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें डबल बुनाई है, जैसे पीछे है वैसे ही आगे आगे है। अब यहाँ पर सुराख नहीं है, हम सुराख करते हैं, देखो कैसे करा जाता है। ये देखो अभी प्लेन जगह है तो हम सुराख करते हैं, हमारे पास सुम्बी हथौड़ी, ये हमारे पास पेच है, ये हमारे पास पेच है स्क्रू, इसमें एक स्क्रू लेंगे, इसमें एक पेच डाला, इसका चोंच बनाएंगे इस टाइप से, इसमें ये पेच लगाएंगे इस टाइप से। तो एक पेच में ही मजबूती हो जाएगी? हाँ जी, डबल लगेगा? नहीं नहीं, एक ही पेच है ऐसा लगता है ये, क्योंकि नया पेच नया सुराख, छोटा सा सुराख कराया, पेच लगने से मजबूती आ जाएगी, पेच लगने में मजबूती भी आती है और फिनिशिंग फिनिशिंग भी आ जाती है। टाइट की जाएगी चाहे पलंग टाइट की जाए, इस तरीके टाइट की जाता है, एक एक पट्टी खींचना पड़ता है इसमें, एक ही पट्टी छोड़ी नहीं जाती। अभी ये साइड से टाइट की जा रही है, फिर दूसरी साइड से टाइट। हाँ, दूसरी साइड।
इतनी पट्टी का ढीला बन रही पट्टी निकली गांठ ऊपर आ रही थी, हमने नीचे लानी है, इसलिए हम नीचे गांठ लगाएंगे। जब भी गांठ ऊपर अच्छी नहीं लगती, गांठ हमें नीचे ही लगानी है। गांठ लगाएंगे किसी पता ना चले गांठ लगी है क्या हुआ है इसमें, ये हमारे अंदर पट्टी में दबक जाएगी। इसको हम एक बार और इस बड़ी पट्टी से अंदर लगा देते हैं, जैसे कि गांठ दबका देते हैं, गांठ ना देखे, ऐसा फंदा लगाते हैं जी, बस ऐसे रस्सी से काट देंगे, फंदे दबका देंगे। अब यहाँ पर कोई नहीं बता सकता गांठ थी है क्या। हमने दूसरी साइड में भी यहाँ पर वही काम किया है, पेच लगा दिए, फिनिशिंग लगा दी, सुराख किया, नया घुंडी बनाई, और हम पेच लगा रहे हैं स्क्रू, ये पेच लगाना भी आपका पलंग बनकर तैयार, पूरी खाट तैयार, थोड़ा सा एक साइड इधर भी और उधर भी, मेहमान लोग आइयो आइयो बैठियो और खाते भी। हमारी चारपाई बनकर तैयार हो गई, देखिए कितनी सफाई मजबूती और अच्छी चारपाई बनाई है हमने। और इस तरीके की अगर किसी को तो ऐसी टाइप की चारपाई बनवानी चाहिए जिसमें दोनों साइड एक ही हो। धन्यवाद, धन्यवाद।